गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड पेज नंबर 18। कल मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इस पे हमने रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोफ्थलीन और मेथिलोनिस, ठीक है, इनमें डाला था। ठीक है, एसिड का, रेड लिटमस का मैंने आपको बता दिया था कि एसिड रेड लिटमस, ये देखिए, इससे पहले हमने आपको पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल कन्वर्ट कर देता, चेंज कर देता। तो देखिए, रेड लिटमस के साथ वो नो चेंज, जब ब्लू लिटमस में एसिड को डालेंगे तो उसको रेड कर देगा। फिर अगर एसिड्स हैं जो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड है, इनको जब फिनाफ्थलीन में डालेंगे तो फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है, तो ये कलरलेस ही रह जाएगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं देगा कलर में। लेकिन जब हम इसको मेथिल ऑरेंज में डालेंगे तो ये मेथिल ऑरेंज हमारा कैसा हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज से पिंक हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का, अगर एसिड डाल देंगे। अब अगर बेस को जब हम रेड लिटमस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जब ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। फिनाफ्थलीन में जब इसको डालेंगे तो फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है, जैसे ही बेस डालेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, पहले तो हमको नहीं पता है कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो जैसे ही हमने उस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। तो हमको पता चल गया कि क्या है, बेस है। ठीक है, ऐसे ही तो हमारा जो बेस होता है वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। जैसे ही हमने रेड में डाला तो वो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। और ब्लू को क्या कर, और हमारा एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड, मतलब जब हम एसिड को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। लेकिन जब हम अगर बेस को ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन जब रेड लिटमस सॉल्यूशन में बेस को डालेंगे तो ये क्या कलर दे देगा, ब्लू कलर देगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ऐसे ही फिनाफ्थलीन को जब बेस में डालेंगे तो पिंक कलर देगा, जबकि मेथिल ऑरेंज का जब बेस में डालेंगे तो ये येलो कलर आएगा। इन कलर से हम पहचान लेंगे कि वो चीज़ एसिड है कि बेस है। अब देखिए, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब हमको नहीं मालूम, पहले हम देखिए उसका देख लेते हैं लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है, एक में वन सॉल्यूशन भरा, एक में टू। मान लीजिए इसमें हमारा क्या भरा, हमने इसमें क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें क्या डाला, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हमको नहीं मालूम लेकिन किसमें क्या है। अब जब हम इसमें क्या था, ठीक है, ये वन सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर जब इसमें हम रेड लिटमस सॉल्यूशन भरा है और इसमें हम क्या डाल दिए, कोई एक सॉल्यूशन डाले, रेड लिटमस था, और इसने क्या किया, रेड लिटमस ब्लू हो गया, मतलब ये क्या है, बेस है। इसमें हमने क्या भरा था, ब्लू लिटमस, और इसमें कोई सॉल्यूशन डाला तो ब्लू को उसने क्या कर दिया, रेड कर दिया, तो मतलब ये क्या है, एसिड है। इस तरह हम पहचान सकते हैं बिना बताए ही कि वो सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिटिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच कलर ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक। देखिए, कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी ऑर्डर स्मेल से हम पहचान सकते हैं, वो मतलब स्मेल चेंज कर देते हैं। अगर एसिड में डालेंगे तो दूसरी स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगी, और बेस में डालेंगे तो दूसरी ऑर्डर आएगी। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, क्योंकि उनकी ऑर्डर से हम पहचानते हैं ना कि वो एसिड है कि बेस, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप ऑफ द क्लीन क्लोथ्स, टाई अप द बैग टाइटली एंड हैव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। हम ऑनियंस को चॉप कर लेंगे, बहुत छोटा 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 फाइनली चॉप कर लेंगे, और उसको एक प्लास्टिक बैग में डाल देंगे। उस प्लास्टिक बैग में कुछ कॉटन की पतली पतली स्ट्रिप डाल देंगे, पतली पतली ऐसे पट्टियाँ डाल देंगे, और उसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम उनको जब निकालेंगे तो क्लॉथ्स में ऑनियन की आ जाएगा, ठीक है, ऑनियन की स्मेल आ जाएगी। टेक टू ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर, कीप देम इन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द हाइड्रो डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द अदर। हम इसमें कुछ ड्रॉप्स, एक स्ट्रिप में कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी स्ट्रिप में कुछ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। जब हम पहले ओनियन की स्मेल वो किए थे, स्मेल लिए थे, और बाद में जो जब हमने एसिड और बेस डाला तो उनकी स्मेल कैसी हो गई, उनकी ऑर्डर कैसी हो गई, चेंज होगी, दोनों की ऑर्डर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने दोनों डाल दिए, अब देखिए, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब उनको पानी से धो लेंगे और फिर उनकी ऑर्डर चेक करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन में नोट करके देखेंगे। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। हम कुछ वेनीला एसेंस और कुछ क्लोव, लौंग का तेल डालकर उसकी स्मेल चेक करेंगे। टेक सम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अनदर। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनीला एसेंस टू द बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, चेक द ऑर्डर। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और दोनों में डाइल्यूटेड वेनीला एसेंस आता है ना, केक वगैरह में डालते हैं, आइसक्रीम में डालते हैं, तो वेनीला एसिड जो लिक्विड फॉर्म है उसको दोनों में थोड़ा थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे और शेक करके उसकी ऑर्डर चेक करेंगे। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे और उसमें क्लोव ऑयल, लौंग का तेल डाल के स्मेल चेक करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि स्मेल कितनी अलग आ रही है। दोनों की एसिड के साथ अलग स्मेल देंगे, ऑर्डर देंगे, और बेस के साथ वो अलग ऑर्डर देंगे। विच ऑफ दीज वेनीला ओनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एन ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। तो देखिए, वो एसिड और बेस के साथ अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर से हम पहचान जाएंगे कि वो एसिड है या बेस। तो ये ऑल्फैक्ट्री ऑर्डर है, मतलब इनकी ऑर्डर से ही हम पहचान जाएंगे कि वो एसिड है या बेस। इसीलिए ओनियन, वेनीला और क्लोव हमारे ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहला गए। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.3। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर 2.1। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। Why are bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas filled bubbles. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like hydrochloric, nitric acid and acetic acid. Are the observation all the case the same or different? देखिए, हम क्या करेंगे, ये जैसे apparatus बनाया हुआ है ऐसे हम set करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में लगाएंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें सोप सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये टेस्ट, ये हमारी डिलीवरी ट्यूब है, इसको ऐसे लगा देंगे, इसको ऑपरेटर्स को ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद देखिए, अब इसमें 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ये देखिए, ये हमारे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ पीसेस जिंक ग्रेन्यूल्स के डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिया इसमें 5 ml, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, उसके में कुछ बबल्स आ रहे हैं। अब ये बबल्स देखिए डिलीवरी ट्यूब से आते हुए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर हमने सोप सोल्यूशन डाला है, सोप सोल्यूशन क्या करेगा, बबल्स को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अपने घरों में भी हम छोटे थे तो बबल्स बनाते थे ना सोप सोल्यूशन से, शैम्पू और सोप से। ठीक है, तो जब इसमें ये गैस के बबल्स यहाँ पर हमको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बर्निंग कैंडल लेके आ गए, ठीक है, गैस के पास हम देखेंगे। तो देखिए, जब ये हमने बर्निंग कैंडल, क्या होगी, बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। यहाँ पर जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो ये कैंडल क्या होगी, मतलब सुलगती हुई लाएंगे, जब ये लाएंगे तो ये पॉप करके साउंड देगी। ठीक है, तो अब देखिए, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ ही बर्निंग करती है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ कौन सी गैस आई है, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर लिया है, अब इसकी जगह हम क्या लेंगे, एसिटिक एसिड,
और सेम वही करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर बबल्स मिल रहा है, बबल्स के बाद एक सुलगती हुई बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तब हम देखेंगे तब भी क्या हो रहा है, तो पॉप सॉन्ग के साथ यहाँ पर बर्निंग होगी कि नहीं होगी, इस ऑब्जर्वेशन को हम इसको नोट करेंगे। नाउ दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट, thus the reaction of the metal with an acid can be summarized। देखिए acid यहाँ हमने क्या लिया था, सबसे पहले क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या डाल दिया था, मेटल डाल दिया था, जिंक डाला था, जिंक एक मेटल है, तो देखिए जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक मतलब एसिड प्लस मेटल को जब रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना था, सॉल्ट प्लस कौन सी गैस की वॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारी पूरी इस एक्टिविटी को हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.4। अ फ्यू ड्रॉ वी प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ द ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वॉर्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड इट। सेम वैसे ही हम अपरेटर सेट कर लेंगे और उसकी हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या ले लेंगे, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसमें फिर क्या डाल देंगे, जिंक ग्रैनुल्स, सेम हमने जैसे उसमें डाला था ना टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुल्स, वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह और उसमें क्या डाल देंगे, जिंक ग्रैनुल्स। देखिए जैसे ये अपरेटस था, हमने यहाँ पर क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें जिंक ग्रैनुल्स डाली, अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है। ये देखिए ये हमारा हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ग्रैनुल्स, तो ये भी हमारा क्या बना लिया, सोडियम जिंकेट, ये हमारा सोडियम जिंकेट बना लिया और उससे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब बेस भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है। तो देखिए यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, लेकिन सारे मेटल्स में ये रिएक्शन नहीं होती कि सारे मेटल्स ही बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करें, लेकिन एसिड्स देते हैं।